अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ताहिर अब्बास, मुखातिब आपसे। आप देख रहे हैं आज दी टेक्नोलॉजी, हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। तो इन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा आज दी टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आपको एक बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज किस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने सुना होगा पीटीए मुख्तलिफ तरह के पब्लिक अवेयरनेस सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सारे ऐसे मेथड लॉन्च करता रहता है जिससे कि कस्टमर जो हैं उसके सेफ रह सकें और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन वाले भी सेफ रह सकें। मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी वालों की तरफ से भी ये हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। अब तो मोबाइल कंपनी वालों से भी ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसा कि आपको बेहतरीन एक फ़ीचर के बारे में पता, जिसे आप जानते भी हैं, जिसे कहते हैं ब्लैक लिस्ट। इस तरह ना एक जो है दोबारा पीटीए ने एक अवेयरनेस लॉन्च की है कल की तारीख में। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस पेज के ऊपर। यहाँ पे मैं क्रोम खोल लेता हूँ। मेरे मोबाइल में ये चीज़ आई थी, मैं आपको वो मैसेज भी दिखा देता हूँ। ये मैसेज मुझे मिला था यहाँ से पीटीए का, मैं देख लेता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने एक अवेयरनेस इशू की है, यूज़ द इंटरनेट सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी अपडेटिंग एंड शेयरिंग हेट स्पीच ऑनलाइन इंक्लूडिंग कंटेंट विद मे एडवांस इनफर्थ। मतलब इन्होंने एक शेड्यूल मेंशन किया है। मैं आपको ये मैसेज पढ़ने से पहले इनकी एक प्रॉपर डिटेल के ऊपर आपको ले कर चलता हूँ। ये अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से आ जाता है। इस इंटरफेस के ऊपर आपको इनकी तमाम वो सर्विसेज के बारे में शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है ना, कस्टमर अवेयरनेस टू एवर्ड ब्लॉकिंग ऑफ मोबाइल नंबर ड्यू द स्पैम बल्क एसएमएस। यहाँ पे इन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं या आप बहुत ज़्यादा एसएमएस करते हैं तो ये आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है, आपका नंबर बंद हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप एसएमएस करते हैं तो आपका नंबर बंद किस तरह हो सकता है। यहाँ पे कॉलम नंबर टू येलो हेडलाइन में आपको लिखा नज़र आ रहा है, इफ़ ए सब्सक्राइबर एक्सटेंडेड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंडिंग मोर 150 एसएमएस 15 मिनट्स 250 एसएमएस 1 होर एंड 1000 एसएमएस इन 24 होर। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि अगर आप 150 एसएमएस 15 मिनट में कर देते हैं तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर आपका सेम कंटेंट, एक ही मैसेज आप 250 एसएमएस इस्तेमाल करते हैं, जितने मर्ज़ी नंबरों पे इस्तेमाल करें, चाहे आप 50 नंबर पे करें या 100 नंबर पे करें, ये मैसेज जब 250 एसएमएस कंज्यूम कर लेगा एक घंटे में तो तब भी आपकी एसएमएस सेंडिंग को बंद कर दिया जाएगा, आपकी सिम बंद कर दीजिएगा। इसका हल क्या है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। जब भी मेरे पास कोई ऐसी सिम बंद हुई आई किसी भी दोस्त की, किसी भी मेरे विजिटर की, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये आर्टिकल जो है बहुत सारी तहवील में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप ये आर्टिकल उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको इस ये आर्टिकल उर्दू में लिखा हुआ मिलेगा। इसमें बहुत सारे इन्होंने फीचर्स भी बताए हैं, आप इनसे बच कैसे सकते हैं या अगर कोई मसला हो गया आपके साथ तो आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के नीचे हमें मैसेज करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। उसके ऊपर एक अलग से ब्रीफिंग वीडियो बनाई जाएगी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।